नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में 6 और शव मिले, 65 मकान ढहे, मानसून सीजन में सामान्य से 42% अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और हमीरपुर में शुक्रवार को 6 और शव मिले। राजधानी शिमला के समर हिल शिव मंदिर में भूस्खलन में दबे 2 और शव मिल गए हैं। मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है, 5 लोग अभी भी लापता हैं। उपमंडल नादौन के गांव रैल में ब्यास नदी में बही महिला का शव शुक्रवार को कांगड़ा के हरिपुर में बरामद हुआ है। महिला की पहचान शारदा कुमारी, उम्र 50 वर्षीय, पत्नी राम श्रवण, निवासी गाँव रैल के रूप में हुई। उपमंडल सुंदरनगर स्थित BSL नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव किसी आसपास के क्षेत्र के युवक का है या फिर कुल्लू जिले में आई बाढ़ के बाद बहकर यहां पहुंचा है, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। वहीं सांबल पंडोह में बादल फटने के बाद लापता 2 प्रवासी मजदूरों के शव भी बरामद हो गए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को 65 मकान ढहे और 271 क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश में 875 सड़कें और 1235 पानी की स्कीमें बंद हैं। वहीं 1500 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई गांवों में बिजली गुल है। राजधानी शिमला के समर हिल के शिव बावड़ी मंदिर में भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 16 पहुंच गया है। शवों को खोजने के लिए चलाए जा रहे अभियान के 5वें दिन शुक्रवार को मामा भांजे के शव मिले। वहीं मंडी जिले के 3 उपमंडलों मंडी सदर, धर्मपुर और सरकाघाट में 19 अगस्त को भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मंडी के SDM ओमकांत, सरकाघाट SDM स्वाति डोगरा और धर्मपुर के SDM राजेंद्र गौतम ने संबंधित उपमंडलों में 19 अगस्त को भी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनबाड़ी केंद्र व ट्रेनिंग सेंटर को बंद रखने की अधिसूचना जारी की है। विद्यार्थियों व स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 24 जून से 18 अगस्त तक सामान्य से 42% अधिक बादल बरसे। लाहौल स्पीति जिला में सामान्य से 17% कम बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल में 21 अगस्त से फिर भारी बारिश का अलर्ट, जाने 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी भागों में कुछ स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 21 अगस्त से बारिश की गतिविधि, वितरण और तीव्रता बढ़ने की संभावना है और 24 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। विभाग के अनुसार 21 से 23 अगस्त के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली गिरने की संभावना भी है। भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में जल क्षेत्रों और अन्य चैनलों पर अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, पेड़ गिरने की आशंका भी है। ऐतिहासिक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान परिसर में दरारें, धस रही जमीन, केंद्र को लिखा पत्र। भारी बारिश और समरहिल में हुए भूस्खलन से शिमला के करीब 150 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान परिसर को खतरा पैदा हो गया है। परिसर में चारों ओर बने लॉन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और संस्थान को जोड़ने वाली सड़क पर भी भूस्खलन हो रहा है। अगर परिसर में भूस्खलन जैसी घटना होती है तो भवन को भी खतरा पैदा हो सकता है। मुख्य भवन के ठीक सामने बने लॉन और विजिटर एंट्री गेट से लेकर करीब 40 मीटर से अधिक भूमि करीब 1 से 1.5 मीटर तक धंस चुकी है। इसे बचाने के लिए संस्थान ने अपने स्तर पर ईंट और सीमेंट की रोक लगा दी है, लेकिन दरारें भरने की यह लीपापोती नाकाफी है। नीचे की ओर डंगा फूलना शुरू हो गया है। संस्थान ने परिसर में नुकसान को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखकर सुरक्षा के प्रबंध करने की मांग की है। इसके अलावा स्थानीय जिला प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग को पत्र लिखा है। संस्थान के आग्रह पर शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी शिमला भानु गुप्ता ने दौरा किया, कहा कि भारी बारिश से भवन के परिसर में 2-3 जगह दरारें आई हैं। लॉन के सामने का हिस्सा धस रहा है, इसमें पेड़ है जिन्हें कटवाने के संस्थान की ओर से आए आग्रह पर वन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश से नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अभी तक राज्य में 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई है। प्रदेश में अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आंका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और व्यवसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं केंद्र सरकार से आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को दिल खोलकर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में जनजीवन को पटरी पर लाते हुए सामान्य व्यवस्था बनाने संबंधी गतिविधियों में और तेजी लाई जा सके। अब रिजोर्ट में परोसे फ्राइड राइस में निकला कॉकरोच, वसूला पूरा बिल। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक नामी रेस्टोरेंट में पिज्जा में कॉकरोच निकलने के मामले के बाद अब एक ऐसा ही मामला सोलन जिला से सामने आया है। हालांकि शिमला में रेस्टोरेंट मालिक ने अपनी गलती पर माफी मांगी और पिज्जा का बिल भी नहीं लिया, लेकिन सोलन में सामने आए मामले में रेस्टोरेंट मालिक की दबंगई सामने आई। यहां रेस्टोरेंट मालिक ने ना तो ग्राहक से माफी मांगी और बिल भी पूरा वसूल किया। नया मामला सोलन जिला के कुमारहट्टी में पाइन ड्राइव रिजॉर्ट से सामने आया है। यहां ग्राहक को परोसे गई फ्राइड राइस में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने इसकी शिकायत स्टाफ से की। हैरानी की बात यह है कि कॉकरोच वाला खाना परोसने के बाद भी रिजॉर्ट के स्टाफ ने अड़ियल रुख अपनाया और ग्राहक से फ्राइड राइस के पूरे पैसे वसूल किए। घटना 16 अगस्त को शहर के एक नामी कारोबारी विनय गुप्ता के परिवार के साथ घटित हुई, जिसकी शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई। शिकायत में खाद्य सुरक्षा के मापदंडों पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के साथ खाने में कॉकरोच की तस्वीरें व वीडियो भी शेयर किया गया है। पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया गया कि 16 अगस्त को जब विनय गुप्ता का परिवार रिजॉर्ट में गया था तो उन्होंने खाने में फ्राइड राइस ऑर्डर किया। जब उन्हें फ्राइड राइस परोसा गया तो उसमें कॉकरोच निकला, जिसकी शिकायत रिजॉर्ट स्टाफ से की गई, लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन ने अड़ियल रुख अपनाया और अपनी गलती ना मानते हुए खाने के पूरे पैसे वसूले। जुए की लत ने बनाया नकाबपोश अपराधी, घर के बाद पड़ोस में दिया वारदात को अंजाम। जुए व नशे की लत युवाओं को अपराध के गर्त में धकेल रही है। युवा पीढ़ी आदतों से मजबूर होकर जघन्य अपराध पर भी उतारू हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में सदर पुलिस ने ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। वारदात में शातिर अपराधी बनकर शहर के ही एक युवक ने ऐसा ताना बाना बुना कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो ये भूल गया कि खाकी उसे एक कदम आगे भी सोच सकती है। आखिर में सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद हैरतअंगेज खुलासे भी किए। सोलन के रहने वाले 28 वर्षीय लोकेंद्र कश्यप पुत्र पदम कश्यप को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया। दरअसल 3 अगस्त को पुलिस ने IPC की धारा 451, 307, 324, 385 व 511 के तहत एक मुकदमा दायर किया। 18 साल के उदय राजवीर ने खुलासा किया कि दोपहर 12:30 बजे के करीब हेलमेट के नीचे मास्क पहनकर एक व्यक्ति कोरियर डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचा। इसके बाद वो चाकू से धमकाने लगा, शर्ट से पकड़कर चाकू से हमला कर दिया। इसे उंगली व छाती में चोट भी लगी। हमले का इरादा लूटपाट ही था। वारदात के बाद से सदर थाना की टीम हमलावर की तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। MBA कर चुके आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी के दौरान 10 लाख रुपए गवा चुका है। इस राशि को डिजिटल लैंडिंग ऐप से भी अरेंज किया था। उधर ना चुका पाने की स्थिति में 7 जुलाई को अपने ही घर में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुरा लिए थे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 454 व 380 के तहत मामला दर्ज किया था। देनदारी पूरी न होने पर उसने पड़ोसी को चाकू की नोक पर धमकाकर पैसा वसूलने की योजना बनाई। मोहाली से कसौली तक कार में आया, इसके बाद ऑटो से सोलन पहुंचा था। उधर सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि आरोपी से पूछताछ चल रही है। आज का सुविचार, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उड़े, परंतु कठिनाइयों के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्य समाचार रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।